16 जून 2024 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग की भक्तों द्वारा भव्य आगवानी की गई। गुरुदेव राजधानी दिल्ली के नवीन शाहदरा स्थित जैन मंदिर से विहार करते हुए एडवोकेट अतुल जैन जी के निज निवास शांति कुंज रामनगर पहुँचे, जहाँ अल्प समय प्रवास के बाद गुरुदेव सत्संग मानसरोवर पार्क के जैन मंदिर जी पहुँचे, जहाँ भक्तों को गुरु भक्ति करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य श्री की अगवानी एवं विहार में गाजे बाजे के साथ भक्तों में उत्साह की लहर दिखाई दे रही थी। भक्त के निज निवास पर अल्प समय के लिए पहुंचे आचार्य श्री के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि मानो अयोध्या में राम की अगवानी हो रही हो। Yeah.
नमन मेरा बार बार अभिनंदन। तो आचार्य श्री बड़े ही, जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़े सहज सरल स्वभाव के और बहुत ही धर्म प्रभावक है। आज कल हम गए, थोड़ा सा निवेदन किया और आचार्य श्री यहाँ पर पधारने के लिए तुरंत तैयार हो गए। तो ऐसे मैं बार बार अपने समस्त मानसरोपाख्यान समाज की ओर से अभिनंदन और याचना पेश करता हूँ। मैं मंगलाचरण के लिए मैं उपस्थित हो रही हैं श्रीमती पूना जैन जी, जो हमारी महिला मंडल की अध्यक्षा भी है और महिला मंडल का जितना भी कार्य होता है सभी आप बराबर देखते हैं। मंत्र मुखार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र मुखार हमें प्राणों से प्यारा, यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र मुखार हमें प्राणों आचार्यों को नमन हमारे, निज पर निज आचार्य करे, उपाध्याय का ध्यान धरे हम, संवर का सत्कार करे, सर्व साधु को हो, सर्व साधु को नमन मंत्रा मुखार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रा मुखार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणम नमो सीताणम नमो अरियाणम नमो वचायाणम नमो लोये सब साहुरा। मंत्रा मुखार हमें प्राणों से प्यारा। आचार्य श्री के साथ साथ अनेक समाज के लोग भी आज
हमारे बीच उपस्थित है और अतिथि का सम्मान करना ये हमारी एक प्राचीन परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे पार्श्वनाथ युवा मंडल संकल्प बिहार समिति से कि उनकी टीम आए और मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रधान जी विनीत जी और हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं प्रिंस जी आकर के इन सभी सदस्यों का अभिनंदन और स्वागत करें। बंधुओं हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत साधारण सामान्य और जैन समाज की हर एक पीड़ा में हर एक कष्ट में हर एक संकट में जो हमेशा अग्रणीय रहते हैं ऐसे एडवोकेट श्री अतुल जी जिन्होंने लाल मंदिर पर परेशानी आई वहाँ साथ दिया लक्ष्मी नगर जैन मंदिर में चोरी हुई वहाँ साथ दिया और अभी अभी सोनागिर में किसी फिल्म की अश्लील शूटिंग हुई थी उसके लिए भी आपका भी भागदौड़ आपने की कोर्ट में केस दाखिल किया। तो ऐसा एक व्यक्तित्व तो आज हमारे बीच है और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहता मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही व्यक्ति समाज को आगे ले जाते हैं आगे बढ़ाते हैं और युवा शक्ति के रूप में सदैव हमारा साथ देते रहेंगे इसी आशा उम्मीद के साथ इनके पिता श्री हंस कुमार जी जैन जो मुझे तो एक गर्व हो रहा है कि मैं भी बड़ौद का हूँ और ये भी बड़ौद के हैं इसलिए जहाँ कहीं भी मैं इनकी फोटो देखता हूँ इनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे इनके साथ में मैं भी यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। कहते हैं कि बड़ौद में कपूत होते हैं लेकिन ऐसे सपूत भी बड़ौद के ही होते हैं जो सदैव जैन समाज को आगे लेकर के चलते हैं। स्वागत करें श्री मोहनलाल जी हमारे संरक्षक भाई हंस कुमार जी का और एक बार जोरदार तालियां बजा देना कि कल इनका जन्मदिन भी था और उनकी भी पूरे समाज की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता। हमारे पड़ोसी रामनगर जैन समाज के प्रधान श्री संदीप जैन जी भी आचार्य श्री संघ के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति है और मेरी परम आदरणीय जैन समाज दिल्ली नगर के जैन समाज मानसरोवर पार्क जैन समाज से प्रति कितना प्रेम और आदर का भाव है। तो गुरु जी के चरणों में सब कुछ मिल जाता प्राणी को नर्तन मुश्किल से मिलता तुम जैसे संतों का समागम गुणवानों को है मिलता पूर्व जन्म में किया पुण्य ही आज उदय में आया है इसीलिए तो आचार्य श्री तुम्हारा इसीलिए सच्चा हमने दर्शन पाया है भक्ति तुम्हारी करूं हमेशा ये शुभ भाव हमारा है। ओम नमः सद्देव्या जय श्री ओम नमः सद्देव तम संभवा संभवतर से रोगी संतप्त मानस जनस्य लोके आसी रहा कस्मिकेव वैद्यो वैद्यो यथानाथ रुजाम प्रशांतई। बोलिए देवादिदेव 1080 संभवनाथ भगवान की देवादिदेव 1080 शासन नायक महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की अनंत अनशुद्ध परमेष्टि भगवान की वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की तीन कामना करो मिराजों की
धर्म प्रेमी बंधु आचार्य सामंतवद्ध स्वामी महाराज संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तम संभवा संभव तरस रोगई संतप्त मानस जनस्य लोके आसी रहा कस्मिक एव वैद्यो वैद्यो थानात रुजाम प्रशांत। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने संसार में वो कार्य करके दिखाया है जो कार्य असंभव था, उस असंभव को संभव करके दिखाया है, और इस मान सरोवर के लोगों ने भी का इतनी छोटी सी जगह में संभवनाथ भगवान को विराजमान करके असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। तो ऐसे कहा, और कहा कि भगवान आप यहाँ विराजमान हैं तो आप तो स्वामेव ही ऐसे वैद्य हैं, सामान्य वैद्य नहीं हैं, आप ऐसे वैद्य हैं कहा कि जो सबके रोगों का हरण करने वाले हैं। संसार के जो वैद्य हैं वो वैद्य तो सामान्य से स्तन के रोगों का हरण करते हैं, लेकिन हे भगवान आप तो इस आत्मा के अंदर लगे हुए समस्त रोगों का हरण करने वाले हैं, ऐसे आप वैद्य हैं। तो इन वैद्य की शरण में जो आएगा वह निश्चित ही उसके समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे, और जो रोग अनादि काल से लगे हुए का ये सांसारिक रोग नहीं जो कि क्षण भर के लिए दूर होते का, ऐसे रोग जो सर्वोपरि रोग हैं अनादि काल से इस जीव के साथ लगे हुए हैं, तो ऐसे उस अनादि काल से लगे हुए रोग का जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को आप दूर करने वाले हैं, ऐसे आप इस संसार के वैद्य हैं। तो ऐसे वैद्य की शरण में पाकर के ऐसा कौन सा मानव है जो सुखी नहीं होगा, अर्थात हर मानव सुखी होगा। तो इसलिए हम ऐसे वैद्य की शरण में आए हुए हैं, और इनकी शरण में आकर के हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, तो का वो चीज़ हमें एक अंतरंग की शांति आत्म शांति प्राप्त होना चाहिए। और आज ये अभी हमारे भाई कोषाध्यक्ष जी यहाँ पर बोल रहे थे कि ये मंदिर बहुत छोटा सा है, का मंदिर छोटा और बड़ा नहीं होता है, आदमी के दिल में जगह हो तो सब मंदिर बड़े ही हुआ करते हैं। आप बताइए कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान महावीर स्वामी का आगमन विपलाचल पर्वत पर हुआ था, तो हमने वो साक्षात दृश्य तो देखा नहीं, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि जैसे भगवान महावीर स्वामी विपलाचल पर्वत पर आए हुए थे तो चारों ओर से सभी लोग एकत्रित हो गए थे। यहाँ देखो कबूल नगर से मानसरोवर में तो है ही ये सभी लोग, और मानसरोवर तो वैसे ही ठंडा है, है ना। हाँ, यहाँ तो एक मानसरोवर का नाम वो सुना था जहाँ पर अंजना का विवाह निश्चित हुआ था, कि दूसरा मानसरोवर ये सुना है कि दिल्ली में भी है। तो इसलिए कहा भाई कि जैसे भगवान महावीर स्वामी के आगमन पर चारों ओर से लोग आ गए थे, ऐसे यहाँ पर भी हमारे लक्ष्मी नगर से साधु सेवा समिति, जो कि आज से नहीं पूरी साधु सेवा समिति हमें आगरा से खींच खींच के ले आ रही है ना, और रिंकू भाई आशीष भाई तो यहाँ पर लाने में, और यहाँ पर इस कॉलोनी में लाने का श्रेय अतुल वकील साहब को सर्वोपरि है, कि अतुल कुमार जी सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर लाने के लिए पहुँचे कि चलो महाराज जी मानसरोवर चलते हैं, अपने के जरूर चलेंगे भाई, क्यों नहीं चलेंगे। तो देखा यहाँ पर कि जैसा नाम वैसा ही कार्य है, और हमारी संकल्प समिति और साधु सेवा समिति और भी सभी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्र थे। तो जब जब भी ऐसी कोई धर्म प्रभावना के कार्य करने की आवश्यकता हो तो इसी तरह से एकजुट होकर के संगठित होकर के और हम कार्य करते रहे तो इससे हमारा नाम बहुत ही ऊंचा हुआ करता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अभी तक तो हमने ये देखा था कि दिल्ली में जैन लोग तो एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन आज ये पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि जहाँ पर सारे अजैन लोग भी स्वागत करने के लिए खड़े हुए कि भगवान आप पधारिए। तो ऐसा स्वागत करने के लिए तो ये भाई हमारे अतुल जी का बहुत प्रयास बहुत ही सराहनीय है। तो इस तरह का प्रयास
कि हमारे जैन धर्म क्या है, इस बात को अजैन लोग भी जान सकें कि आखिर जैन धर्म है क्या और इसके लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह इसके कार्य एक बड़ी सभा लगवा करके भी करना चाहिए, जिसमें कि सारे लोग जैन सिद्धांतों को समझ सकें और सुन सकें। वैसे इस धरा पर दुनिया में सबको एकत्रित करने वाले एक ही संत थे, वो तरुण सागर महाराज जी थे, जो सारे के सारे लोगों को इस दिल्ली राजधानी में एकत्रित करके क्या जैन क्या अजैन क्या हिंदू क्या मुसलमान वो सबको बिठा देते थे एक साथ। उनके बाद अभी इस धरा पर कोई दूसरे संत ऐसे नहीं हो पाए। तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को स्वयं भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे कि सब लोग एकत्रित हों और जैन धर्म के मर्म को समझें। अभी लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि जैन धर्म केवल जैनों का है, किसी दूसरे का नहीं है। ऐसा नहीं है, जैन धर्म जन जन का है, मानव मात्र के कल्याण की भावना का है। तो इसलिए जब जैन धर्म सबका है तो सब तक पहुंचना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि अभी जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो सब क्षत्रिय थे। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर की जय। बोलिए संभवनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य आदित्य सागर महाराज की जय। आज का बंधुओं जो प्रोग्राम एक छोटा सा हुआ है, जो विहार हुआ है आचार्य आदित्य सागर महाराज का, नवीन चादरा जैन मंदिर से संभवनाथ जैन मंदिर मानसरोवर पार्क में, वो अपने आप में एक भव्य विहार इसलिए यादगार रहेगा क्योंकि जो शब्द महाराज श्री के हमारे निवास स्थान पर पहुँच कर थे वो ये थे कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे रामचंद्र जी आज अयोध्या आए हों। मैंने महाराज श्री को अनुरोध किया छोटा सा कि बीच में हमारे निवास स्थान पर आप चरण डालिए। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और ये शब्द उनके मुख से निकले कि रामचंद्र जी अयोध्या आए हों, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ विहार में। और वाकई में एक माहौल ऐसा बना हुआ था पूरे विहार में कि आगे बैंड बाजा नगाड़े, पीछे कैमरा और पीछे लोग जैन अजैन सभी तरह के लोग वहाँ थे। केवल जैन ही नहीं, मतलब पूरी गली हमारी वहाँ पर सब लोग मौजूद थे जिसमें अधिकतर लोग नॉन जैन थे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि दिगंबर साधुओं के प्रति, एक नग्न मुद्रा के प्रति जैन अजैन सभी लोगों में बहुत सम्मान है। तभी आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अक्सर विद्यासागर महाराज के चरणों में सिर झुकाने जाया करते थे। यही नग्न मुद्रा है जो हमें अपना शीश झुकाने पर मजबूर करती है। बंधुओं, मेरा अंत में आप सभी से यह अनुरोध रहेगा कि जब भी कोई जैन प्रोग्राम हो तो किसी भी संकोच से, किसी भी शर्म से ऐसा ना करें कि अपने नॉन जैन बंधुओं को शामिल ना करें। जब तक आप उन्हें निमंत्रण नहीं देंगे, उन्हें अनुरोध नहीं करेंगे, वो जैन धर्म के प्रोग्राम में कैसे आएंगे? और जब तक वे नहीं आएंगे तब तक उन्हें जैन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं लग पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आज के विहार में हमने देखा जैन अजैन किसी का कोई भेदभाव नहीं था, उसी प्रकार जब भी जैन धर्म का कोई प्रोग्राम हो तो जैन अजैन सभी दोस्तों को बुलाएं, सभी संबंधियों को बुलाएं, इससे जैन धर्म की प्रभावना जरूर होगी। और हमने यह देखा आप विहार में, आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि हमारे निवास स्थान पर पहुँचते पहुँचते जितनी भी पुरुष वर्षा हुई सभी नॉन जैन लोगों के द्वारा थी। तो यह अपने आप में अद्भुत है। गुरुदेव के संघस्थ क्षुल्लक श्री का भी मानना था कि इस प्रकार के विहार को पहली बार देखा है। इस प्रकार से भक्तों को गुरुदेव की भव्य आगवानी करने एवं गुरु भक्ति का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। बंधुओं, इस मंदिर को बने हुए लगभग अभी केवल 5 ही वर्ष हुए हैं, लेकिन 5 वर्ष में ही इस मंदिर में अनेक प्रकार के अतिशय और अनेक प्रकार के साधु संतों का आगमन होता रहा है। यद्यपि मानसरोवर पर जैन समाज एक छोटा सा जैन समाज है, लेकिन आसपास के समाज के जो सहयोग से हम किसी भी कार्य को पूरी क्षमता, सौंदर्य और सुंदरता के साथ निपटा लेते हैं।